मैं आपके लिए नहीं रो रहा, मैं इस वक्त साथ साथ दिल में अल्लाह को याद करके रो रहा, क्योंकि बेशक मुझे उसी पर भरोसा है जिसके बारे में कहा गया कि मैं अपने आप को खुदा समझता हूं या मैं खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को नहीं मानता वो फिर किसको मानता है। मैंने ये इल्जाम भी सह लिया, जिसकी जबान पर वक्त हो सुभान रब्बिल अजीम सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल अजीम सुभान रब्बिल आला, उसको कह जा रहे हैं कि जिसने 5 हज किए हो उसको कहा जा रहा है खुदा को नहीं मानता। किसी ने गर्दन से पकड़कर उसको ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या सबूत है कि वो खुदा को नहीं मानता। वो झूठ पे झूठ कहती रही, झूठ पे झूठ कहती रही। मैंने उस दिन के बाद से जब से वो गई है यहां से मैंने फोन तक नहीं, कह रही मुझे धमकियां देते हैं। मेरा घर ऐसा घर है 21 खुदादाद कॉलोनी कराची, वहां भी मुलाजिम बैठे हुए, मैं उनसे 2 महीने से नहीं मिला। जाके पूछिए कि मेरे घर से कोई खाए बगैर वापस नहीं जाता। मैं चाहे जिन हालात में भी हूं मेरे घर से खाना खाए बगैर वापस नहीं जाता। लेकिन लोगों ने मुझे और खासतौर पर किसी खातून एंकर ने यूट्यूब पर मुझे टारगेट पर टारगेट करके रखा, रोज मेरे खिलाफ प्रोग्राम करती। किसी ने पूछा आपको मसला क्या है, तकलीफ क्या उस आदमी के साथ।